भोजपुरी फिल्मों की चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। सबसे पहले तो मैं ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगी पूरी टीम को, हर किसी को जो भी इससे एसोसिएटेड है, दिनेश जी को, राहुल जी को। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, छोटी छोटी जगह पे छोटे छोटे तहसील में छोटे छोटे सिनेमा हॉल बनाना, और ऐसे बहुत ज़्यादा जगह भी कवर कर सकते हैं हम, बहुत ज़्यादा जगहों पर सिनेमाज भी बना सकते हैं, बहुत सारे लोग भी आ सकते हैं और सुकून से फिल्में देख सकते हैं। तो मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा और मैं पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं बहुत बहुत जी। ये एक ऑलरेडी बन चुका है, अभी 3 ऑन फ्लोर है जो कि देवरिया में हो रहा है, सैदपुर में हो रहा है और एक बनारस में हो रहा है। सो इतने के बारे में मुझे जानकारी है, बाकी इस कॉन्सेप्ट के जो जो मेन लोग हैं जिन्होंने इसे पुल आउट किया है वो इसके बारे में बेहतर बता पाएंगे, पर ये तीनों की मुझे जानकारी है। आई थिंक बहुत ज़्यादा जुड़ पाएंगे क्योंकि बहुत सारी फैमिली ऑडियंस ऐसे है जो भोजपुरी फिल्में देखना चाहती है, जो देखती भी है, यूट्यूब पर देखती है, अपने घर पर टीवी पर देखती है, बट सिनेमा हॉल तक नहीं जा पाती कई बार इस वजह से क्योंकि सिनेमा हॉल उनसे बहुत दूर होता है, कई बार इस वजह से क्योंकि वहाँ का जो वातावरण होता है वो शायद उनके लिए कंफर्टेबल नहीं होता है। मतलब आदमी तो गमछा निकाल के हवा करते हैं, फिल्म देख लेते हैं और तो क्या करेंगे। तो आई थिंक वो सब अनकम्फर्ट वातावरण से दूर एक पूरा परिवार आके सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी औरतों के लिए, लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है, पूरा परिवार आके थिएटर में एयर कंडीशन थिएटर में फिल्म देख सकता है। सो आई थिंक ये हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा होगा, जो लोग घर पर फिल्में देखते हैं वो अब अपने परिवार के साथ वीकेंड्स पर बाहर निकल कर फिल्म देख पाएंगे। जी बिल्कुल चल रही है एंड आई थिंक इट इज़ वेल डिजर्व्ड फॉर आर लैंग्वेज। हमारी मातृभाषा में सबसे ज़्यादा बोली और समझी जाने वाली भाषा भोजपुरी है, और अब बहुत लंबा समय हो गया जो अहदा जो जगह हमारी भाषा को मिलना चाहिए, अब मुझे लगता है कि उसकी शुरुआत हो चुकी है। हम सबके मन में तो बहुत ही इज्जत थी हमारी भाषा की, अब हम उसे दिखा भी पा रहे हैं कि सी दिस इज़ भोजपुरी लैंग्वेज और ये इसका स्तर है और ये हमेशा इससे ऊपर ही जाता रहे। मैं बस हर बार सिर्फ थैंक यू बोलना चाहती हूँ, मतलब इतना आसान नहीं होता है और इतना प्यार दिया है मुझे पहले दिन से हर किसी ने, और हर आदमी मेहनत करता है, आज मैं करी, कल को कोई और आएंगी लड़कियाँ मेरे पास वो करी है, मुझसे पहले से आई हुई लोग हैं वो मेहनत कर रही है, हर कोई मेहनत करता है, पर किसी की मेहनत को सफल तब माना जाता है जब उनके ऑडियंस का उनके साथ आशीर्वाद होता है, और मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री ने मुझे बहुत अच्छा अच्छा काम दिया और मेरी भोजपुरी ऑडियंस ने मुझे बाहें फैलाकर एक्सेप्ट किया, और मैं हमेशा बहुत धन्यवाद ही बोलती रहती हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं जिंदगी भर ऐसे ही अच्छी अच्छी फिल्में करती रहूँगी और आप लोगों को हमेशा एंटरटेन करती रहूँगी। आई प्रॉमिस। जी जी मैं ढेर सारी बधाई दूंगी दिनेश जी को, और दिनेश जी की एक बात मैं मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो कभी हार नहीं मानते, और वो हमेशा उन्होंने जो ठाना है उस क्षेत्र में उस दिशा में मेहनत करते रहते जब तक जो उन्होंने सोचा है उसे अचीव ना कर ले, तो और ये भी उसी का परिणाम है, वो सच में चाहते हैं कि वो अपनी भाषा के लिए कुछ करें, एंटरटेनमेंट फील्ड से वो आते हैं, वो एंटरटेनमेंट फील्ड के लिए कुछ करें और उन्होंने इसकी शुरुआत की, इसकी पहल की है, तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ, और मैं भगवान से हमेशा मनाती हूँ कि वो जीवन के हर अच्छे क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े। मुझे सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर हर जगह इतना लोग बोल रहे हैं कि हमने जय वीरू देखी, बहुत कॉमेडी फिल्म है, हमें बहुत मज़ा आया, लिटरली एक एक सीन बता रहे हैं लोग कि ये सीन में मज़ा आया। सो मुझे बहुत खुशी हो रही है, एक आउट ऑफ द लीग फिल्म थी, बहुत टाइम से हमने कोई प्योरली कॉमेडी फिल्म नहीं की थी, ये एक फिल्म है जो कि कॉमेडी फिल्म थी और लोगों को बहुत पसंद आई, तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और अब इसके बाद क्रम में आ रही है लल्लू की लला, वो भी एक
बहुत ही अच्छी, बहुत ही कॉमिक फिल्म है, आई एम श्योर लोगों को वो भी बहुत अच्छी लगेगी। इसके बाद आएगी गदरू, जो कि एक बहुत ही ऑल टुगेदर अलग फ्लेवर है, आई एम श्योर ऑडियंस उसे भी उतना ही पसंद करेगी। जी जी जी, ये दिस इज टू मच लाइक, ये पूरी की पूरा का पूरा संतोष मिश्रा कॉन्सेप्ट है, पटना से पाकिस्तान मुकामा, आप उसी लेवल पे इस फिल्म की बात कर सकते हैं। एक गैंगस्टर गैंग्स की कहानी है, गैंगस्टर्स की कहानी है, और मेरा बहुत अच्छा रोल है इस फिल्म में, मैं अपने कैरेक्टर से बहुत खुश हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि संतोष मिश्रा जी वही जादू दिखेंगे जो हमेशा दिखे थे। गदर का सिकंदर के नाम है उसके बारे में जी, आई एम नॉट श्योर, अभी शायद टाइटल पर बात चल रही है, ये टाइटल भी मुझे तो बहुत पसंद है, पर अभी शायद टाइटल पर बात चल रही है, बहुत सारे टाइटल्स के रजिस्ट्रेशन संतोष जी ने करवाए हैं, सो मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि क्या फिल्म का यही टाइटल होगा, बट अगर ये भी होगा तो भी फिल्म के लिए फायदा ही होगा, इट्स अ वेरी नाइस टाइटल, बट अभी फाइनल नहीं हुआ है कोई टाइटल। लखनऊ की यादें कुछ जी, लखनऊ मैं फर्स्ट टाइम शूटिंग कर रही हूँ लखनऊ में, इससे पहले मैंने लखनऊ में कभी शूटिंग नहीं की, बनारस में की है, गोरखपुर में की है, देवरिया में की है, लखनऊ में पहली बार शूट करने जा रही हूँ, और बहुत सारी फिल्मों में मैंने लखनऊ को देखा है, और अब उन सारी जगहों पर खुद शूट करके एक्सपीरियंस लूँगी तो मुझे बहुत मज़ा ही आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। भोजपुरी की चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भोजपुरी गॉसिप्स।